हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि हम जावा में स्ट्रिंग बफर कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोल दिया था कि मतलब पिछले क्लास में बोल दिया था कि जैसे कि जावा में स्ट्रिंग क्लास कैसे यूज करेंगे, बोल दिया था ना। अगर कोई नहीं देखा है तो जाके देखो, पहले उसको समझो, उसके बाद इसको देखना, इसी वीडियो को देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो कि जावा डॉट लेन पैकेज के अंदर एक स्ट्रिंग नाम का एक क्लास होता है। जैसे कि मैं लिखा था पेज मतलब पिछले वीडियो में, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, मतलब डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ मैं क्या लिखा था। उसको मैं छोटा कर देता हूँ, अभी आपको सब कुछ दिखाई देगा। जैसे कि ये देखो, मैं पिछले क्लास में बोला था कि मतलब ये देखो स्ट्रिंग, आपको पता है जैसे कि ऐसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, जैसे कि मैं बोला था कि स्ट्रिंग क्लास बोला था एक डबल कोट के अंदर, जैसे कि में हम ऐसे स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग दो टाइप का बना सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, जैसे कि ऐसे मेरा नाम लिख दिया स्वराज, देखो ऐसे हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। जो कि यहाँ पर जो स्वराज है वो यहाँ पर स्टोर हो गया। तो और एक टाइप का बना सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का, जैसे कि ऐसे हम लिखते हैं str str 1 इज इक्वल टू न्यू न्यू स्ट्रिंग या स्ट्रिंग, ऐसे लिख दिया स्ट्रिंग, यहाँ पर आर है आर न्यू स्ट्रिंग। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि स्वराज लिख दिया आर HAAR लिख दिया, इसके ऐसे हम करते हैं। बट इसको यूज जो कि स्ट्रिंग क्लास यूज करके भी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, और स्ट्रिंग बफर जो क्लास होता है उसको यूज करके भी हम ये बना सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग बना सकते हैं, बट हम क्यों यूज करते हैं, मतलब स्ट्रिंग बफर क्लास को हम क्यों यूज करते हैं। अगर हमारा काम चल जा रहा है ना, अगर स्ट्रिंग क्लास यूज करके, तो हम क्यों यूज करेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास को, क्यों यूज करेंगे कि इसमें जो कि है, यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर देखो जो str है यहाँ पर, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग, इसको ऊपर ले लेता हूँ, हाँ, अगर यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिख दिया तो इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये मतलब कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स हो गया, मतलब यहाँ पर स्वराज, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये डब्ल्यू को हटा दूंगा, डबल के जगह मैं और कुछ रख दूंगा, एल रख दूंगा, तो इसका जो ए पार्ट इसको डिलीट कर दूंगा, तो एस को मैं स्मॉल कर दूंगा, तो इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बट इसका जो ऑब्जेक्ट बना के कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो हम इसलिए मतलब ये इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो स्ट्रिंग बफर क्लास होता है तो वो क्या होता है कि वो म्यूटेबल होता है, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं और कोई मेथड यूज करके, तो उसको जैसे कि सेट सेट कैरेक्टर आर्ट, एक मेथड में मतलब बाद में पढ़ाऊंगा ये सब कुछ, सेट कैरेक्टर आर्ट और भी बहुत सारा होता है, जैसे कि डिलेट कैरेक्टर आर्ट, ऐसे बहुत है, जैसे कि डिलेट मेथड, ऐसे हम यूज करके क्या करते हैं कि इसका जो कि स्ट्रिंग को मतलब ये दोनों को हम हटा सकते हैं। तो मैं ये बेसिकली बोलना चाहता हूँ ये दोनों के भीतर डिफरेंस क्या है, मतलब इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जैसे कि जो कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर जो क्लास है, इस दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि मतलब इसके अंदर जो कि स्ट्रिंग क्लास है उसको हम चेंज कर पाते हैं, बट जो कि स्ट्रिंग बफर क्लास है उसको, सॉरी, जो कि स्ट्रिंग क्लास है उसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं, और जो स्ट्रिंग बफर क्लास होता है उसको हम चेंज कर पाते हैं। तो अभी मैं दो तीन मतलब इसके बारे में थोड़ा डीपली बताऊंगा जो कि स्ट्रिंग बफर क्लास होता है। चलो चलते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि स्ट्रिंग बफर, यहाँ पर लिखा
सॉरी स्ट्रिंग बफर बी यू एफ एफ ई एल नहीं है बफर है बी यू है यू बफर स्ट्रिंग बफर यहाँ पर मैं लिख दिया कि एस टी आर उसके बाद डबल कोट के यहाँ पर मैं दे दिया स्ट्रिंग न्यू की वर्ड यूज किया यहाँ पर न्यू न्यू स्ट्रिंग बफर मतलब कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो कि मैं जो लिखा हूँ यहाँ पर ऊपर देखो जो कि लिखा हूँ मैं स्ट्रिंग लिखा हूँ स्ट्रिंग उसके बाद str लिखा उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया जो कि स्ट्रिंग बफर कर दिया। मतलब ये से याद करो कि स्ट्रिंग बफर है। हाँ तो स्ट्रिंग बफर str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर उसके अंदर मैं अगर इसके अंदर कुछ भी डाल दूंगा जैसे कि एस डबल डाल दिया तो उसका क्या हुआ कि मेरा यहाँ पर थोड़ा एरिया यहाँ पर एरिया थोड़ा नहीं है तो इसलिए ठीक है तो मैं ऐसे सेमी कॉलन दे दिया ठीक है। जो कि इसके अंदर इसका क्या होता है कि इसका लेंथ होता है इसका कुछ लेंथ होता है और उसका जो कि कैपेसिटी होता है तो इसके अंदर मैं आप बोल रहे हो कि क्या क्या बोल रहा है ये कुछ नहीं है उसका देखो अगर मैं इसका इसका जो लेंथ है अगर मैं क्या करूँगा कि str का लेंथ निकालूंगा तो अभी ये देखो आगे ये यूज होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो str लिखा है ये जो str लिखा है तो मैं अगर लिखूँगा कि str.length देखो आपको पता है जो पहले जैसे कि हम एरे का लेंथ निकालते थे आपको याद करो कि हम उसी टाइम हम बोलते थे कि जैसे कि एरे डॉट लेंथ ऐसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कि str है str.length str मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया हूँ ठीक है तो str.length में हम क्या करेंगे कि इसका जो लेंथ उसके बाद हम क्या करेंगे कि str.length जो आएगा तो मैं ये कर रहा हूँ इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर अगर मैं इसको लिखूँगा जैसे कि मैं इसको क्लियर करके लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अभी इसको मैं क्या करूँगा कि इसको इरेज कर दिया तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि डबल इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो कि मेरा जो str है str.length तो क्या होगा कि इसके अंदर जो क्या आएगा कि इसका जो लेंथ है आपको पता है जो कि ये है दो है sw लिखा हो तो इसके अंदर इसका जो लेंथ आएगा आउटपुट आएगा वो टू आएगा जो कि आउटपुट आएगा तो क्या आएगा कि टू आएगा इसका जो आउटपुट आएगा जो कि प्रिंट होके आएगा तो इसका कैपेसिटी देखते हैं। देखो ये कैपेसिटी क्या होता है कैपेसिटी मतलब देखो वो बाय डिफॉल्ट होता है कि इसका जो कैपेसिटी होता है वो जीरो होता है। अगर मैं क्या करूँगा कि इसको इरेज कर दूँगा तो अगर मैं क्या करूँगा कि इसको इरेज कर दूँगा देखो इसको इरेज कर दिया किसको इरेज किया यहाँ पर देखो यहाँ पर इरेज कर दिया इसको मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये डबल कोट को भी हटा देता हूँ अगर बैड मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो इसके अंदर अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो क्या होगा कि इसका जो कैपेसिटी है इसका अगर मैं क्या करूँगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन लिखूँगा इस यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो कि str डॉट लेंथ जो लिखा है जो कि लेंथ लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पर लिखूँगा कैपेसिटी अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटी लिखूंगा तो क्या होगा कि इसका जो कैपेसिटी वो 16 है या देखो जो आउटपुट आएगा वो आएगा कि 16 आएगा। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इसका जो कैपेसिटी 16 आएगा मैं बोलूँगा ये सब क्यों मैं लिख रहा हूँ इसका कैपेसिटी आएगा 16 आएगा मैं खाली ये दे रहा हूँ ठीक है इसका जो आउटपुट आएगा तो उसका वो 16 आएगा अगर ये प्रिंट होगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 16 होगा। तो अगर मैं अगर डबल कोट के अंदर अगर मैं उसको लिख दूंगा कि डबल कोट के अंदर मैं डबल लिख दूंगा कि यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ वो थोड़ा एरिया नहीं है इतना ठीक है मैं इसको 16 लिख देता हूँ str लिख देता हूँ 16 अगर मैं ऐसे लिख दिया ठीक है
अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा कि अगर ये इसके अंदर है, ठीक है, तो इस अगर इसको इसका अगर कैपेसिटी निकालेंगे, अगर जो कि स्ट्रिंग बफर str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर डबल कोट के अंदर में जो लिखा स्वराज, अगर इसे लिख दूंगा तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, ये इसका जो कैपेसिटी होगा, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, इसका जो लेंथ है कितना है, लेंथ बताओ कितना है, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है ना, HWARAJ 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो उसका जो लेंथ है, इसका जो कैपेसिटी आएगा, देखो जो कैपेसिटी आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कैपेसिटी आएगा, जो कि कैपेसिटी आएगा, तो क्या होगा कि जो लेंथ है, लेंथ डॉट उसका जो है, जो कि बाय डिफॉल्ट जो 16 आता है, 16 आता है, लेंथ डॉट 16, लेंथ प्लस 16, सॉरी लेंथ प्लस 16 आएगा, तो जो जो आउटपुट आएगा तो कितना आ गया, जो कि 6 आएगा, 6 6 6 12 26 आएगा, सॉरी 22 आएगा, इसका जो कैपेसिटी है वो 22 आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि ये तो ख़त्म हो गया, तो इसका मैं मेथड बोल देता हूँ, पहले बोलना चाहिए था मुझे, ये ऐसे ही होता है, मतलब इसका हम प्रोग्राम इसका ऐसे, मतलब जावा में एक मेथड होता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग बफर इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है कि जो कि स्ट्रिंग बफर, अगर यहाँ पर मैं लिखूँगा कि स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या होता है कि न्यू, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि न्यू लिखता हूँ, यहाँ पर न्यू न्यू स्ट्रिंग बफर इसके अंदर स्ट्रिंग str होता है, स्ट्रिंग str होता है, ऐसे st लिख दिया, str होता है ऐसे, str मतलब हाँ, इसके मतलब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, अगर जो भी लिखोगे वो str में आ जाएगा, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो str में आ जाएगा, मैं पहले पे ये सब कर दिया, ऐसे ही होता है ये सब, मतलब यहाँ पर सब कुछ शो होता है, मैं ऐसे बोल दिया था, यहाँ पर जो स्ट्रिंग str, यहाँ पर स्वराज, ये स्ट्रिंग लिटरल है, ये तो पहला क्लास में बोला बोल दिया था, ये इसको छोड़ दो, वो नीचे वाला देखो जो कि स्ट्रिंग बफर होता है, स्ट्रिंग बफर जो str होता है, ये सब कुछ तो बोल दिया, चलो मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, चलो बहुत नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करेंगे, मैं इसको ये कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, तो अभी मैं इंटेलिजेंस आईडी मेरा ओपन कर रहा हूँ, मेरा जो ये देखो मेरा इंटेलिजेंस आईडी, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए, तो हो जाएगा ये सब ओपन, ये मतलब अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सब कुछ, बेसिकली क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर अभी सब कुछ करके दिखाऊंगा, बस ये थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है ना, तो आपका सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका सिस्टम थोड़ा अच्छा है तो ये जल्दी ओपन हो जाएगा, तो अभी लोड ले रहा है, अगर अगर चाहिए इसको स्किप कर सकते हो अभी, ठीक है, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, हो गया ये, क्योंकि मेरा सब कुछ चल रहा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए मेरा थोड़ा टाइम ले रहे हैं। हाँ अभी क्या करूँगा कि इसके मैं एक फाइल अभी क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा अभी मेरा जो प्रोजेक्ट मतलब जो क्लास है, जो पैकेज अभी अभी तक तो लोड नहीं हुआ है, अभी लोड हो रहा है, लोडिंग लिख रहा है यहाँ पर, मेरा पैकेज आ जाएगा, अभी देखो आ गया है मेरा पैकेज, तो इसी पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लास है और छोटा छोटा पैकेज भी है, सब पैकेज है, तो
तो अभी मैं क्या करूँगा कि जो कि न्यू है यहाँ पर, मैं पैकेज के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद इसी पैकेज के अंदर मैं और एक क्लास में भी बनाऊँगा, तो उसी के नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं दे दिया एस, दे दिया एस 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 दे दिया, एक दो एस 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 दे देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ, कोई डुप्लीकेशन क्लास फाउंडर हो जाएगा कि नहीं। अच्छा पहले से है क्लास, अच्छा डुप्लीकेशन डुप्लीकेट क्लास फाउंडर, मतलब पहले से मेरे ऐसे टाइप के क्लास है, तो मैं इसको डिलीट करना पड़ेगा। छोड़ो मैं इसको डिलीट ऐसे कर देता हूँ, डिलीट यस। चलो मैं और एक क्लास बना देता हूँ, जैसे कि सी, मतलब का जो भी पढ़ाऊंगा उसी हिसाब से, जैसे कि स्ट्रिंग बफर है ना, STB लिख देता हूँ। रुको मैं इसका जो पैकेज का था, जो पहला पैकेज था, अच्छा हाँ इसका, अभी देखो स्ट्रिंग बफर STB लिख देता हूँ, STB लिख देता हूँ, क्योंकि क्लास जो कि जो पहला लेटर होता है वो उसको कैपिटल कर देना, तो उसके, अरे पैकेज तो ले ले, एस सॉरी STB, तो ऐसे लिख देता हूँ। ये क्या है, लाई तो नहीं लेगा, मतलब रुको मैं और कुछ दे देता हूँ, छोड़ो ये नहीं ले रहा है इसे, STB STB ले देता हूँ, तो अभी ले लिया। मैं बहुत सारा प्रोग्राम किया हूँ ना एक ही पैकेज के अंदर, तो मुझे एक नया पैकेज बनाना पड़ेगा, तो इसी पैकेज के अंदर मैं, आपको तो पता है जो कि पैकेज के अंदर सेम क्लास हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बहुत पैकेज है इसके अंदर वो सेम हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ठीक है मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मेन मेथड से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, आपको तो पता है, ठीक है अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मेन मेथड अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में string.arg, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन string.arg, तो इसके अंदर स्ट्रिंग आर, तो हो गया स्ट्रिंग डॉट नहीं, यहाँ पर दे दिया स्ट्रिंग आर दे दिया, हो गया। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि अभी मेन मेथड स्टार्ट हो गया, अभी क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग बफर क्लास यूज करूँगा ना, तो स्ट्रिंग str, देखो मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया है यहाँ पर, स्ट्रिंग बफर str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, न्यू स्ट्रिंग बफर देखो, हाँ तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मेरा नाम लिख दूंगा सूरज, तो ये देखो हो गया। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा कि str जो है उसको मैं प्रिंट करके अभी दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैं गलती किया, मतलब आप मत करना, जैसे सेमी कॉलन छोड़ दिया था मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर लिख रहा हूँ, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो अभी क्या प्रिंट होगा जो कि str इसे लिख देता हूँ str। इसके अंदर देखो मैं इसके पहले backslash n backslash t डबल कोट एंड सॉरी प्लस, अभी हो गया देखो, ठीक। तो अभी जो आएगा आउटपुट क्या आएगा, मैं उसको आउटपुट दिखाता हूँ क्या आएगा, इसको रन करके दिखाता हूँ, अभी रन हो रहा है, मेरा जो विंडोज अपडेट्स आए थे और ले रहा है ज़्यादा, इतना स्लो नहीं होता है मेरा सिस्टम। अच्छा ये इसको इसको रन होने दे, मैं विंडोज अपडेट को बंद कर दूंगा। ये देखो सूरज आ गया ना, तो यहाँ पर सूरज आ गया, तो मैं इसका जो, ये तो सूरज आ गया, मैं इसको रुको, मैं यहाँ पर मेरा जो विंडोज अपडेट इसको बंद कर देता हूँ, ये मेरा ले रहा है वो मैनुअली, अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाया था कि अगर आपका सिस्टम हैंग हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, क्योंकि आपका, मेरा तो 16 GB रैम है फिर भी ऐसे हो रहा है। तो अब क्या करना है कि आपका जो विंडोज अपडेट है उसको बंद कर दो, फिर अच्छा होगा, ठीक हो जाएगा, आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे कि इसका जो ये तो हो गया,
मैं अभी क्या करूँगा कि सिस्टम में आउट डॉट प्रिंट एल अभी लिखते हैं यहाँ पर, अभी str डॉट अभी क्या करूँगा लेंथ लिखूँगा, तो इसका लेंथ कितना आएगा str डॉट लेंथ, तो अभी str डॉट लेंथ ऐसे लिख दिया। तो अभी इसका जो आउटपुट आएगा देखो, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये मुझे एक इंटीजर वैल्यू आएगा, जैसे कि 6 आएगा इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू आएगा, देखो 6 आ गया कि नहीं। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ बट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ स्ट्रिंग डॉट लेंथ यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। अब मैं इसका जो कैपेसिटी है, इसके अंदर इसका जो कैपेसिटी आएगा तो 22 आएगा, क्योंकि इसका जो ये 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 है, और उसका जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, अगर कुछ नहीं दूंगा तो इसके अंदर जो कि इसका जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होता है तो वो 16 होता है। तो 16 प्लस 4 सॉरी 6 प्लस 16 आएगा, तो 22 आएगा ना, ठीक है। तो इसका जो कि मैं कैपेसिटी अभी इसका निकालता हूँ, तो इसको इसका जो कैपेसिटी है, जो देखो इसका जो कैपेसिटी है यहाँ पर, अब मैं इंटेलिजेंस आईडी यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको थोड़ा अच्छा होगा, जो कि नया बिगनर है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ खुद ही कर देगा, हाँ str और कैपेसिटी। तो इसके अंदर जो कैपेसिटी आएगा, देखो मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ, इसका जो कैपेसिटी आएगा इंटीजर वैल्यू आएगा, ये देखो 22 आया, मैं पहले लिखा था नहीं, अगर मैं इसको अगर स्वराज SWA लिख देता हूँ, SWA लिख दिया तो क्या होगा, इसका जो कैपेसिटी आएगा वो 21 आएगा, क्योंकि एक काम हो गया ना, क्योंकि लेंथ अभी 5 हो गया, 5 प्लस 16 वो 20। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं दूंगा, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं दूंगा तो क्या आएगा कैपेसिटी देखना। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो इसका जो कैपेसिटी है अभी देखना, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी आएगा, उसका जो कैपेसिटी आएगा वो 16 आएगा। अगर मैं इसका इसके अंदर एक 10 लिख दूंगा, अगर मैं इसके अंदर 10 लिख दूंगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटी वो खुद ही बोल रहा है कि ये कैपेसिटी है, अगर इसके अंदर मैं 10 लिख दूंगा तो मैं कैपेसिटी देता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी मैं दे दिया है कि इसका कैपेसिटी 10 है, मतलब इतना एरिया प्रिजर्व करेगा, मतलब इतना एरिया लेगा, मतलब स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए कैपेसिटी, मतलब इस इतना एरिया ले लेगा, मतलब इतना मेमोरी कंज्यूम करेगा, 10 कैपेसिटी दे दिया तो ये मेमोरी में इतना एरिया ले लेगा, ठीक है। अगर हम इसको रन करके दिखा देता हूँ, इसका जो कैपेसिटी आएगा तो अभी 10 आ जाएगा, अभी 16 नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना, ये देखो 10 आ गया। अगर मैं क्या करूँगा कि इसका कैपेसिटी ये तो हो गया, अभी इसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिख दूंगा डबल कोट के अंदर, जैसे कि इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ, ये देखो इसके स्पेस दे दिया, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा कि यहाँ पर कॉमा शायद हो चुका, हाँ कॉमा नहीं तो हाँ क्या करूँगा, इस स्वराज लिख दे दूँगा, SWRHS स्वराज, ऐसे नहीं होगा शायद, अच्छा अगर आप कैपेसिटी दो नहीं तो और कुछ दो, अच्छा ठीक है, अगर इसका कैपेसिटी हाँ ऐसे लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, अगर ये तो स्वराज है, अगर इसका जो आउटपुट आएगा क्या, ये तो कैपेसिटी पक्का नहीं आएगा, तो ये 24, अच्छा ये हो गया, मतलब ये 24 आ गया, मतलब ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अच्छा 26 आना चाहिए, नहीं सिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका 6 7 8, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है वो 16 है, मतलब स्वराज 22 और 3 4 3 4, अच्छा ये दोनों ले लिया, अच्छा हाँ 24 आएगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है, इसका अगर मैं इसका लेंथ निकालूंगा तो क्या आएगा पता है, तो ये 6 आएगा, 6 7 8 आएगा, 8 आएगा, पक्का 8 आएगा देखो, क्योंकि इसलिए डॉट लेंथ, इसका अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो ये ले रहा है, ये मतलब प्लस 10 को भी ले रहा है इस, ये देखो 8 आया कि नहीं, बोलो मैं बोला था कि 8 आएगा, तो इसको ये ले रहा है, तो ऐसे मतलब कैपेसिटी, अगर कुछ भी अगर एक सिंगल इंटीजर वैल्यू लिख दोगे तो वो कैपेसिटी गिना जाएगा। देखो अगर मैं इसके अंदर भी 100 लिख देता हूँ,
तो 100, ये देखो खुद ही बोल रहा है कि ये कैपेसिटी है, आप कैपेसिटी इसके अंदर दे रहे हो, ठीक है। तो हो गया अब इस कैपेसिटी के बारे में सब कुछ हो गया। चलो अभी मैं नेक्स्ट क्लास जो आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर क्या करेंगे, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जावा में बहुत सारे मेथड होता है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि हर मेथड को मैं और मतलब एक एक क्लास बना के आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई का चैनल को, और मैं कुछ छोड़ गया तो मैं देख देता हूँ। और ये तो सब कुछ हो गया, कैपेसिटी के बारे में तो बोल दिया, और क्या है इसको आप खुद ही मतलब प्रैक्टिकल करके देखो, आपके कंप्यूटर पर रन कराओ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। गुड बाय।